सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुराधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं भिंडी की दाल, जो कि बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी होती है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। भिंडी की दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप यानी कि 200 ग्राम तुअर दाल ली है। अगर आप चाहें तो आप अपने पसंद की कोई भी दाल ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच घी, अगर आप चाहें तो यहाँ तेल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बाउल बारीक कटी हुई भिंडी, 1 साबुत लाल मिर्च और 1 पिंच हींग, और साथ ही में कुछ बारीक कटा हुआ धनिया, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, सूखे मसाले में 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 3 से 4 बारीक कटी हुई लहसुन की कली, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैंने तुअर दाल को प्रेशर कुकर में 2 सीटी होने तक हल्दी और नमक डाल के पका लिया है। चलिए हम भिंडी की दाल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच घी लेंगे और उसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। अब हमारा घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। और साथ ही में 1 छोटा चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे और इन दोनों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन बारीक कटी हुई हरी मिर्च एक साबुत लाल मिर्च और 1 पिंच हींग ऐड करेंगे। और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हमारा प्याज भून चुका है, अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट ढककर पकाएंगे। अब हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी भिंडी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। अब हम इसमें सूखे मसाले में 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही में नमक स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। और इन सभी को अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट ढककर पकाएंगे। अब हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हमारी जो पकी हुई तुअर दाल है उसे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए 2 मिनट तक पका लेंगे।
अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे ढककर अगले 2 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए हमारी भिंडी की दाल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। आप देख ही सकते हैं कि हमारी भिंडी की दाल कितनी रिच और डिलीशियस लग रही है। आप इसे रोटी, चपाती, नान, राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।